महिला की उम्र 10 वर्ष ज्यादा होने से गुस्साए पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा। आरोपी पति को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के मनगढ़ इलाके से 24 घंटे के अंदर मुंब्रा पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंब्रा पुलिस में 15 सितंबर 2024 की रात 12 बजे रेशमा राजू पाटिल उम्र 50 वर्ष ने शिकायत दी कि उसकी बहन द्रौपदी प्रीतेश शिर्के उम्र 47 वर्ष दिवा के तानाजी म्हात्रे चाल में रहने वाली उसकी हत्या उनके पति प्रीतेश काशीनाथ शिर्के उम्र 37 वर्ष ने की है और वह फरार हो गया है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस आयुक्त उत्तम कोलेकर ने बताया कि 15 सितंबर को जब हमारे यहाँ मामला दर्ज हुआ तो हमने 4 अलग अलग टीम बनाकर आरोपी को जगह जगह पर ढूंढना शुरू किया और हमें जानकारी मिली कि आरोपी प्रीतेश काशीनाथ शिर्के यह महाराष्ट्र के रत्नागिरी के मनगढ़ इलाके में है और हमारी टीम ने उसे वहां से हिरासत में लिया और मुंब्रा पुलिस स्टेशन लाया गया। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में जब आरोपी प्रीतेश शिर्के से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसकी पत्नी द्रौपदी प्रीतेश शिर्के की उम्र 47 वर्ष थी और मैं 37 वर्ष का था और हमारे उम्र में 10 साल का गैप होने की वजह से मुझे पत्नी से रोजाना झगड़ा करना पड़ता था और गुस्से में आकर मैंने अपनी पत्नी द्रौपदी शिर्के को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी प्रीतेश शिर्के को 22 तारीख तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। एसीपी उत्तम कोलेकर ने हत्या के मामले को लेकर क्या जानकारी दी है? संडे 15 तारीख को दोपहर के टाइम महिला रेशमा राजू पाटिल जो डोंबिवली में रहती है उन्होंने दीवा चौकी में आके इंफॉर्मेशन दे दी कि उनकी बहन द्रौपदी प्रीतेश शिर्के जो मात्रे कमान आगासन रोड दीवा में रहती थी उसको उसके पति ने मार दिया है और वो पति फरार हो चुका है। उसी वक्त वहाँ के हमारे ड्यूटी ऑफिसर ए पी ए तांबे कोलेकर कतेले उन्होंने जाके स्पॉट विजिट किया। जब हमको इन्फॉर्मेशन आई सीनियर पी ए शिंदे और मैंने जाके वहाँ पे विजिट की जो कि हमने ब्यौरा लिया आजू बाजू के एरिया में हमने इंक्वायरी की और वहाँ पे मिले एविडेंस और आजू बाजू में की हुई इंक्वायरी उसके बेसिस पे हमने 4 टीम बना के ये आरोपी के ढूंढने के लिए हमने रवाना कर दी थी। सीसीटीवी टेक्निकल बातें इसके ऊपर से इसमें जो आरोपी है जो मयत महिला थी उसका पति प्रीतेश काशीनाथ शिर्के उसको मंडनगढ़ रत्नागिरी से हिरासत में ले लिया गया। उसके पास इंक्वायरी की तो उसने गुना कबूल किया और उसको अरेस्ट करके पुलिस कस्टडी में है। उसकी 22 सितंबर तक उसकी कस्टडी है। उसको कस्टडी के दरमियान उसने जो हथियार यूज़ किया था चाकू वो रिकवर किया गया है। सर महिला की हत्या किस वजह से की गई? यहाँ पर जो महिला है उसकी उम्र है 47 ईयर्स और ये जो आरोपी है उसकी उम्र है 37 ईयर्स। दोनों में 10 साल का अंतर था। महिला 10 साल से बड़ी थी इसलिए वो थोड़ी डोमिनेटिंग थी उसी से लेकर उनको झगड़ा होते थे और उसी में परेशान होकर उसने महिला की हत्या कर दी है। तो पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को रत्नागिरी से पकड़ के गुना ओपन किया है। इसके पहले भी इसके ऊपर कोई गुना रजिस्टर है क्या? नहीं, इसके ऊपर उसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। सर हत्या में केवल एक ही आरोपी था या किसी और को भी साथ लिया गया? नहीं, अकेले आरोपी है। चलिए